आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। पीटीआई का ऐलान जंग, एलामिया जारी, डी चौक पहुंचने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि सियासी कमेटी ने अपने इजलास में डी चौक पर एहतजाज का फैसला किया है। पीटीआई का कहना है कि 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के पेश नजर पंजाब के इजला में होने वाला एहतजाज मनसूख कर दिया गया। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि मैंडेट चोर हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तरक करने पर आमादा नजर नहीं आ रहे। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये सब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने की कड़ी है। शिंदाई ताउन तंजीम के सरबराहान इकट्ठे हो रहे हैं। 2014 में धरना दिया गया, 9 मई का वाकया हुआ, ये बैनुल अक्वामी साजिशों के मोहरे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये 90 की दहाई के मोहरे हैं। आज भी बलूचिस्तान में 12 मजदूर शहीद हुए, मुल्क को यरगमाल बनने नहीं देंगे। वजीर दिफा का मजीद कहना था कि इक्तदार आने जाने की चीज है, किसी की मीरास नहीं। बानी पीटीआई इक्तदार से महरूम हो गया तो 9 मई बर्पा कर दिया गया। अब तक की अहम खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, डीटीवी एनएन और हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म डीटीवी फ्लिक्स, जहां आप 3000 से ज्यादा चैनल्स देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।